गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि सभी को पता है, EMRS PGT की वैकेंसीज आ चुकी हैं, जिनको हम कहते हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। ये जो भी आपके ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ पे स्कूल्स ये इस्टेब्लिश हुए हैं, तो ये NVS के कल्चर पे वर्क करते हैं और वैकेंसीज़ भी अच्छी खासी हैं। इंग्लिश में अगर बात करें तो PGT में 200 प्लस वैकेंसीज़ हैं, जो कि PGT में कभी आती नहीं है किसी भी वैकेंसी में। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, ऑल इंडिया लेवल की ये रिक्रूटमेंट है। सैलरी बहुत अच्छी रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पे स्केल होता है वही मिलता है, और भी सुविधाएँ मिलेंगी आप लोगों को। बस थोड़ा सा यही है कि आपको 24 आवर्स स्कूल प्रेमिसेस में ही रहना है, मतलब जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा है। तो अभी हमने पहले एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था सिलेबस के ऊपर। मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जो कैंडिडेट इंग्लिश से अप्लाई करना चाहते हैं, तो इंग्लिश की जो तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे, उनको बताएँगे, आप लोगों तक पहुँचाएँगे, ताकि आप लोग ईज़िली उन चीज़ों को कवर करके सिलेक्शन पा सकें। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखो, पढ़ने को तो बहुत कुछ है। कहा जाता जो ज्ञान है वो सागर है, मतलब उसमें पढ़ने को अगर हम बैठे तो पूरा जीवन हमारा लग जाएगा और हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए, उसको क्वालिफाई करने के लिए, हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है ये जानना कि हमें क्या छोड़ना है या क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि नहीं पढ़ना बहुत ज़्यादा है और पढ़ने की मात्रा बहुत कम है। तो इस वजह से यहाँ पर है क्या कि हम वो चीज़ें आपको बताएंगे जिनको पढ़कर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी कई सारे लोग कोर्सेज बेचते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, किताबें होती हैं मार्केट में, हम किताबें भी पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबें होती हैं लिटरेचर पे, बहुत सारी बुक्स हैं, तो वो सारी हमें नहीं पढ़नी है, सेलेक्टेड पढ़ना है। सेलेक्टेड पढ़ कर के ही हमें सिलेक्शन लेना होता है। तो मैंने अभी एक वीडियो बनाया था कल, जो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, वो वीडियो है अफ्रीकन लिटरेचर से। क्योंकि हम अगर इंग्लिश में लिटरेचर की बात करें, तो इसमें वर्ल्ड लिटरेचर में जैसे इन्होंने लिखा है अफ्रीकन, एशियन और ऑस्ट्रेलियन, तो ये लिटरेचर इन्होंने लिख रखे हैं, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है वो हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो अभी हमने कल एक वीडियो अपलोड किया था अफ्रीकन लिटरेचर का, जिसमें हमने बताया था क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। आज का ये वीडियो है, ये ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर पर है, तो इसमें हम देखेंगे हमें क्या पढ़ना है, मतलब किन राइटर्स को पढ़ना है, किन पोएट्स को पढ़ना है, उनके जो वर्क्स हैं उनको देखना है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर के फेमस एक हमारे पोएट हुए हैं एडी होप, इन्होंने पोएम लिखी ऑस्ट्रेलिया डेट ऑफ द बर्ड। अब है क्या, ये पोएम तो इम्पोर्टेंट है ही इनकी, इनको तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ऊपर से हमें क्या करना है, एडी होप के और भी जितने इम्पॉर्टेंट वर्क हैं उनको भी देख लेना है। इस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है, ठीक। फिर पैट्रिक वाइट, इनको तो आप बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते, ये फेमस ऑस्ट्रेलियन राइटर में इनकी गिनती आती है, तो इनकी एक पोएम है वॉस, इसको देखना है। फिर जुडिथ राइट हैं एक, द कंपनी ऑफ लवर्स अ वुमेन टू मैन, इन्होंने लिखा है। अब जैसे पैट्रिक वाइट की बात करें हम, तो पैट्रिक वाइट ने और भी अच्छे अच्छे वर्क्स लिखे हैं, उनको भी देखना है हमें, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट वर्क है उनको एक बार पढ़ लेना है हमें, उनके कैरेक्टर्स देख लेने हैं, अगर कोई पोएम है तो पोएम में थीम क्या है, कौन कौन से रेफरेंस मिलते हैं, कौन कौन से अल्यूजन यूज किए गए हैं, क्या पोएट मैसेज देना चाहते हैं उस पोएम के माध्यम से, तो ये सारी चीज़ें या उसकी इम्पोर्टेंट लाइन्स जो कोट करी जाती हैं जनरली, उनको हमें याद रखना है। तो इस तरीके से हमें प्रिपरेशन अपनी करनी है। फिर रे लॉलर हैं ये, इनका समर ऑफ द 17 डॉल, ये भी पढ़नी है। इसके अलावा भी इनके वर्क्स हैं, उनको भी देखना है हमें। ये जैसे है क्या, जो हम ऑथर और पोएट बता रहे हैं उनको ध्यान रखना है,
मतलब उनके वर्क्स को हमें देखना है, इनको हम स्किप नहीं कर सकते, इनको पढ़ना है हमें। फिर इसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं आपके हेरोल्ड एडवर्ड पोर्टर, इनका द एक्टर्स है। पैट्रिक वाइट यहाँ पर भी हैं, इन्होंने लिखा है फ्लॉज इन द ग्लास ए सेल्फ पोर्ट्रेट, मतलब इनकी स्टोरी भी है। डेविड मेलोफ द ओनली स्पीकर ऑफ हिज टंग, जर्मेन ग्रीर डैडी वी हार्डली न्यू यू, तो ये वर्क इन सबके पढ़ने हैं हमें। फिर जेम्स मैकली इन्वोकेशन टू एनी पोएट फेलो ट्रैवलर, पीटर पोर्टर हैं, डोरोथी पोर्टर हैं, केविन हार्ट हैं, तो इनको इन पोएट्स को हमें देखना है, ठीक है, इनको पढ़ना है, इनके और भी इम्पोर्टेंट वर्क हैं उनको भी देखने, बाकी जो इसमें वर्क दिए हैं वो तो हमें देखने ही देखने हैं। तो ये चीज़ स्ट्रेटजी यही बना के चलो। ड्रामा की जैसे बात करें हम तो यहाँ पे जैसे जैक डेविस हैं, इन्होंने लिखा है द ड्रीमर्स, एल्मा डी ग्रोन हैं, इन्होंने लिखा है द विग्ड सिस्टर्स, पीटर केन्ना है, इन्होंने ए हार्ड गॉड, डेविड विलियमसन है एमराल्ड सिटी। तो ये जितने भी ड्रामाटिस्ट हैं या प्ले राइटर्स हैं इन्होंने और भी इम्पोर्टेंट प्लेज लिखे हैं, उनको भी थोड़ा देख लेना, सिनॉप्सिस पढ़ लेनी है, क्रिटिकल रिव्यू पढ़ लेना है, क्रिटिकल एनालिसिस पढ़ लेना है। फिक्शन में जैसे आपके फिक्शन राइटर में क्रिस्टीना स्टीड हैं, रैंडोल्फ एस्टो हैं, टॉमस केनेली हैं, सैली मॉर्गन हैं, इम्पॉर्टेंट है सैली मॉर्गन, उनका माई प्लेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपके पैट्रिक वाइट हैं, सैली मॉर्गन हैं, ये क्या इनको तो पढ़ना ही है आपको, इससे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। क्रिस्टोफर कोच हैं, और देखो यहाँ पे फिर से एडी होप और सैली मॉर्गन का जिक्र मिलता है, तो ये मतलब हर सिलेबस में मिलते हैं तो इनको हम स्किप नहीं कर सकते। फिर जैसे पैट्रिक वाइट देखो फिर यहाँ पे हैं, जुडिथ राइट भी हैं, जैसे बॉस ऊपर भी पैट्रिक वाइट की हम डिस्कस कर चुके हैं, जुडिथ राइट का द कंपनी ऑफ लवर्स, वुमेन टू मैन, वुमेन टू मैन ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर ये कुछ हैं नोबल विलिंग ऑथर जैसे कि पैट्रिक वाइट हैं या क्रिस्टीना स्टीड हैं, डेविड मेलफ हैं, पीटर कैरी है, ब्रैडले ट्रेवर ग्रीव हैं, टॉमस केनली हैं, कॉलिन मैग्लो हैं, नेविल शूट हैं, मॉरिस वेस्ट हैं, इनको देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आपके जर्मेन ग्रीन हैं, रॉबर्ट ह्यूज हैं, बैरी हम्फ्रीज हैं, क्लाइव जेम्स, ये इम्पोर्टेंट ऑथर आप लोग ज़रूर पढ़िएगा इनको, इनको स्किप मत करिए। फिर हम बात करते हैं जैसे यहाँ पर आपका ये रहने दो, नीचे आते हैं, हाँ ये जैसे इम्पॉर्टेंट है मार्गरेट एटवुड, बहुत पूछी जाती हैं ये, इनको देख लीजिए। जैसे नोट टुवर्ड ए पोएम दैट कैन नेवर बी रिटन, इन्होंने यहाँ पे लिखा है, और भी इनके बहुत सारे इम्पॉर्टेंट स्टोरीज हैं शॉर्ट स्टोरी। तो फर्स्ट नेशंस ब्लैकफुट, सॉन्ग ऑफ द ग्रेट स्प्रिट, क्लेयर हैरिस, एडी होप देखो यहाँ पर भी हैं, इनके ये वर्क हैं, हिमानी बनर्जी, केनेस लेसर, जुडिथ होप फिर से यहाँ पे आ गई हैं, डेविड मेलोफ, फिर उसके बाद जॉर्ज रीगा, शैरोन पैलक, रे लॉलर समर, जैक डेविस, सिंक्लेयर रॉस, गैब्रियल रॉय, पैट्रिक वाइट, सैली मॉर्गन। तो ये देख लो, ये हमेशा मैंने ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो सिलेबस चलता है, और ऐसा होता जो यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस होता है वो सेलेक्टेड कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट जो वर्क्स होते हैं, नोटेबल वर्क्स होते हैं, उन्हीं को रखा जाता है। और होता क्या कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो हम फेस करते हैं उनमें उन्हीं से पूछा भी जाता है। अब जैसे है क्या, मान लो आप किसी एक यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, वहाँ का सिलेबस अलग है, या आपने केवल ऐसे ही एम ए बी ए, जैसे मोस्टली क्या लोग करते हैं बी ए एम ए मतलब लाइटली कर लेते हैं, केवल एग्ज़ाम दे दिया, बस जब एग्ज़ाम हुए एनुअल या सेमेस्टर जो भी है उसको डिटेल स्टडी करते नहीं है, बस पास होने के लिए कर लेते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत आती है। नहीं तो जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस है उसको अगर हम ढंग से कर लें तो कोई भी एग्ज़ाम बीट हो सकता है, कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं जो आप इंग्लिश से कर ना सकें। लेकिन होता क्या, वहाँ पर हम लाइटली पढ़ते हैं, और लाइटली भी पढ़ते हैं, और एक ही यूनिवर्सिटी जो हमारी होती है उसी का सिलेबस पढ़ते हैं,
लेकिन है क्या कि बहुत सारी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ से मैंने ये सिलेबस उठाया है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेलेक्टिव वर्क्स हैं, ये सेलेक्टेड राइटर्स हैं ये, और कह सकते हैं इन जैसे ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर के ये पिलर्स हैं, तो इनको तो आप इग्नोर ही नहीं कर सकते, इनको ज़रूर पढ़िए। इनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम 100% आप उसमें अच्छा करेंगे। तो ये है, अब आगे जैसे जो भी लैटिन अमेरिका का लिटरेचर है उसको भी मैं डिस्कस कर लूँगा, एशियन लिटरेचर है उसको, उस पर भी वीडियो बना दूँगा। फिर मेरा जैसे मैं सोच रहा हूँ ये, जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं जैसे इन इन पोएट्स या इन इन ऑथर्स को पढ़ना है, अभी हम क्या करेंगे कि जब स्टार्ट करेंगे तैयारी करवाना, तो जैसे मान लो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर का हमने पैट्रिक वाइट उठाया, तो पैट्रिक वाइट के इम्पॉर्टेंट वर्क्स जो जो आपको पढ़ने हैं उनमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, एक एक ऐसे करके उठाते चलेंगे और आप लोगों को बता देंगे। 10-15 मिनट का वीडियो एक बनाएंगे जिसमें हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देंगे और वो पढ़ना आपको ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, अगर आप तैयारी करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। और ये जो इम्पॉर्टेंट सिलेबस है इसको अगर आप सही से पढ़ लेते हो तो आपका नेट भी निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं, नेट भी निकल जाएगा। तो अगर आपको वास्तव में नौकरी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा आपके पास आ जाएंगे, कोई भी वीडियो स्किप मत करना, सारे वीडियोस देखना। मैं मुझसे जितना संभव हो सकेगा मैं करूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।